गुड मॉर्निंग क्लास, हम आज के पेपर में आज की क्लास में पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर के का यूनिट फर्स्ट का ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड की, यानी कि अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्लैंड होती क्या है, ज़रा हम वो समझते हैं। इसको बोला जाता है अवटु ग्रंथि। तो ये क्या होती है, ये सभी प्रकार के जंतुओं में, एनिमल्स में और साथ ही साथ में ह्यूमंस में मिलती है, हमको देखने को मिलती है ना। ये कुछ समझात ग्लैंड्स के नाम के भी इसके जैसा फंक्शन होते हैं कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर। जब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स यह फेरिंग्स भाग से एक उद्वर यानी आउटग्रोथ के रूप में विकसित होना आरंभ करती है। जीभ के आधार पर एक त्रवर्ध बनकर खोखली हाइपो ग्लोसल हाइपोग्लोसल नलिका या हम इसको सिलेक्ट करो हाइपो डक्ट के रूप में वृद्धि करता है के रूप में वृद्धि करता है जिसके समाप्त हो जाने पर इसका ग्रंथिल भाग जीभ से पृथक हो जाता है। अब
अतः यह भ्रूणीय एंडोडर्म से विकसित संरचना है। देखो क्या है कि जो हमारा नेक रीजन होता है, हमारे गला होता है ना, हमारे नेक रीजन में थायराइड होता है, तो हमारा जो एलिमेंट्री कनाल होता है, जब वो ट्रैकिया उससे ट्रैकियल पर ट्रैक पर आता है, उससे पहले हमारे क्या होते हैं, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स होते हैं। तो फेरिंग्स और लैरिंग्स पे क्या होता है, एक उभरे हुए उनके फ्लोर पर यानी कि उनकी सतह पर एक उभरे हुए आकार का जो ग्रंथि पाई जाती है उसको हम थायरॉयड ग्रंथि बोल रहे हैं। जब वो थायरॉयड ग्रंथि क्या करती है, समय के हिसाब से ये लुप्त भी हो जाती है ना, लेकिन क्या कर रही है, ये एक तरीके से क्या है कि यह ग्रसनी फेरिंग्स भाग से एक उद्धर्व के रूप में विकसित होती है जीभ के आधार पर। मतलब जो हमारे जीभ है वहीं से तो हमारा एलिमेंट्री कनाल होता है ना, तो हमारे जीभ से जो हमारा ओरल कैविटी होती है ना, हमारी ओरल कैविटी से जब नीचे वो जाता है तो वहाँ हमें क्या मिलता है, एक ये प्रधर्व रूप में खोखली हाइपोग्लोसल नलिका के रूप में होती है और ये वृद्धि करता है, जिसके समाप्त हो जाने पर क्या होता है, ये अलग हो जाता है। ये कई बार भ्रूणीय जो एंडोडर्म्स होते हैं इसकी वजह से भी शरीर में होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे रिंग टाइप में यहाँ ऐसे। तो आपका मान लो ये नली हो गया आपका, तो यहाँ फेरिंग्स हो रहा, तो ये यहाँ पर ऐसे छोटे से ऐसे ऐसे यहाँ पर बीच में ये बनी हुई होती है उसके ऊपर की ओर। जब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देखते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज हो गया। जो इस्थेमस होता है इसके ये फ्लोर पे इस तरह से ये ऐसे राउंडेड सराउंडेड होता है ट्रैकिया के ऊपर, है ना, ये ट्रैकिया हो गया हमारे ट्रैक जो होता है उसके ट्रैकियल के ऊपर भी ये प्रेजेंट होता है इसका जो। तो ये एक तरीके से तो इसका रफली स्ट्रक्चर है।
हम एक और थोड़ा सा डीप इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं किसके, जब हम इसका डाइसेक्शन करते हैं यानी कि इसको अंदर से डिटेल में देखते हैं तो हमें कौन कौन से पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो जब हम इसको डिटेल देखते हैं तो हमें इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ दिखते हैं। हमें एक रफली डायग्राम बनाती हूँ, रहने दो। जब हम इसको डिटेल में अंदर देखते हैं तो हमें कौन कौन से सरफेस देखने को मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, क्या देखने मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, कॉलर्ड फॉलिकल्स, इंटरफॉलिकल सेल, फॉल्टिकुलर सेल्स। और फॉलिकुलर एपिथीलियम, हमें जब हम इसका डाइसेक्शन करेंगे या हम इसका एक लेवल अंदर से देखने की कोशिश करते तो हमें इतने सारे चीज़ें देखने को, पांच तरह से सेल्स और टिश्यूज़ और फॉलिकल्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे ऐसे, ग्रैनुल्स होंगे, थोड़ा सा कुछ बड़ा सेल्स होंगे, ऐसा मेम्ब्रेन टाइप में भी होगा। है ना, तो आपकी ये इंटर फॉलिकुलर सेल्स हो जाती हैं, फॉलिकुलर एपिथीलियम हो जाता है, यहाँ पर आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ हो जाते हैं, ये आपका कॉलर्ड हो जाता है और ये आपके फॉलिकल्स हो जाते हैं। जब हम इसके अंदर ऐसे देखते हैं तो हमें इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारे नेक रीजन पर ही होते हैं, ये पूरा ओवरऑल ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये बहुत छोटा सा होता है। हम जब इसको हमारे नेक रीजन पे देखते हैं तो इतना छोटा सा, इतना सा होता है, लेकिन ये कैसा होगा, जैसे मान लो सपोज़ कि हमारा ट्रैकिया है ना, तो यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे सर, बस इतना सा। तो इसका पूरा इसके ओवरऑल इसके अंदर थायराइड कॉटिलेज भी आ जाएगा, इसका एसिथेमस भी आ जाएगा, है ना, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। जब हम डायग्राम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब हम अब बात कर लेते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर यानी संरचना। जब हम संरचना की बात करते हैं तो मनुष्य की जीवा के श्वसन यानी कि जो श्वास नली होती है हमारी, मनुष्य के ग्रीवा भाग में जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, के दोनों ओर दो से तीन तथा चार ट्रैकियल रिंग के समान
कंठ के नीचे यह द्विपालित गुलाबी रंग के रूप में उपस्थित होती है। इसकी दोनों पालियां इस्थमस नामक संकरी पट्टी के द्वारा जुड़ी रहती है। मादा में यह नर की अपेक्षा बड़ी होती है। लास्ट पॉइंट लिख लो। मनुष्य में पूर्ण विकसित ग्रंथि का भार 25 से 30 ग्राम होता है। मनुष्य हो चाहे एनिमल्स हो, तो जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी श्वसन नली होती है ना, हमारी ट्रैकियल ट्रैक जो होता है उसके अंदर ये दूसरी तीसरी चौथी ट्रैकियल रिंग के अंदर क्या होती है, रिंग के सामान्य से गले में लगी होती है। जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये गुलाबी रंग की होती है, इसमें दो पालियाँ होती है जिसके कि हमने डायग्राम में देखा इस्थमस है ना, उसके साथ में क्या होती है, जुड़ी रहती है। ये थोड़ी सी जो फीमेल होते हैं उनमें थोड़ी बड़ी होती है मेल के उसका कंपैरिजन में। और ये पूरी विकसित होने के बाद में इसका वेट कितना हो जाता है, 25 से 30 ग्राम तक का इसका वेट हो जाता है। जब भी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं थायराइड की, तो थायराइड स्ट्रक्चर में सीधा सीधा यही बोला जा रहा है वो कहाँ होती है, वो आपके नेक रीजन में हो रही है, यानी आपके लैरिंग्स फेरिंग्स आपके ट्रैकियल जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट हो रही है ना। आगे हम देखेंगे थायराइड के और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को।